तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं लद्दाख में है लगभग दो महीने से है भारत और चीन के बीच है सीमा विवाद जारी है। इसी बीच आपको बता दीजिए भारतीय सेना के खेमे में अब है जिसके चार फ्रांसी राफेल शामिल हो चुके हैं। आपको बता दीजिए अब चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो भारत है जो कि उनको मुंह तोड़कर जवाब दे सकता है। इसी बीच आपको बता दीजिए भारतीय सेना के खेमे में चार भी राफेल शामिल हो चुके जो कि आपको बता दें कि कहीं दूर तक निशाना लगा सकते हैं और दुश्मन को है जो कि यहीं से बैठे बैठे उनके ही घर में घुसकर मार सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि पाकिस्तान तो अपनी हरकतों से अब बाज आने लगा है क्योंकि आपको बता दें कि जितनी भी बात भारत और पाकिस्तान की जंग हुई जिसमें है जो कि भारत ने पाकिस्तान को दूध चटाई है। आपको बता दें कि अब चीन को भी समझ लेना चाहिए कि भारत बहुत ही मजबूत स्थिति में। आपको बता दें कि चीन अपनी हरकतों से अब बाज आ जाए नहीं तो है जो कि भारत को है जो कि कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे रक्षा मंत्री ने भी बता दिया है कि ये पहले वाला भारत नहीं है। आपको बता दें कि ये 1965 वाला भारत नहीं है, ये आज का भारत है और नया भारत है जो कि दुश्मन को घर में घुसकर मारता है। हालांकि आपको बता दें कि पाकिस्तान तो अपनी हरकतों से बाज आ चुका है। चीन को भी अब ये समझ लेना चाहिए कि वो आज के हिंदुस्तान से पंगा ना ले नहीं तो आपको बता दें कि उनको उल्टी उनके ही मुंह की खानी पड़ेगी। तो दोस्तों और भी अधिक जानकारी के लिए बने रहें आप हमारे साथ और आप हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।